वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं, जिसका यूज करके आप लोग सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरह का क्वेश्चन वेरियस कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन का नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को इंटरनेट पे वेरियस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप सिर्फ 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स सेवन, तो हम लोगों को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स व्हाट। तो एक पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स अगर a हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स हमेशा होगा ए स्क्वायर माइनस टू। ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, बस इसी पे मैं इसको पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल सेवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेवन स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ ए होता तो ए स्क्वायर माइनस टू, जैसा कि मैं फॉर्मूला में आपको बता रहा हूं, यहाँ सेवन है तो सेवन स्क्वायर माइनस टू, तो सेवन स्क्वायर मतलब 49 माइनस टू, ये हो गया 47, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल सेवन, तो हम लोगों को फाइंड करना है एक्स राइज टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स राइज टू द पावर फोर इक्वल्स वाट, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ है एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स ए रहे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स राइज टू द पावर फोर हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस इसके लिए फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल सेवन, तो यहाँ क्या करेंगे, x राइज टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स राइज टू द पावर फोर इक्वल्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेवन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे सेवन स्क्वायर 49 माइनस टू यानी 47 होने जा रहा है, 47 स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स 2209 माइनस 2 इक्वल्स 2207, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का वैल्यू, ठीक है, यानी x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x राइज टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया 2207। तो इसको सिंपली भी हम लोग बना सकते थे कि पहले तो हम लोग इसका फाइंड करेंगे, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल सेवन है तो सेवन का स्क्वायर माइनस टू कर लेंगे यानी 47, और 47 का स्क्वायर माइनस टू ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209 और माइनस टू तो आ जाएगा 2207, ये हो गया आपका। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है कि इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को ये फाइंड करना पड़े उसके बाद फिर ये फाइंड करना पड़े तो उसके लिए ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देता हूं। फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दोनों जगह जो था प्लस था, यहाँ क्या है, यहाँ x माइनस वन बाई एक्स है और यहाँ क्या है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सीधा सीधी क्या करना है, यहाँ एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर इक्वल्स ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, बस यही करना है आप लोगों को। तो यहाँ है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल सेवन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, सेवन स्क्वायर प्लस टू, सेवन का स्क्वायर होता है 49 प्लस टू इक्वल्स 51, ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल सेवन है,
एक्स राइज टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स राइज टू द पावर फोर इक्वल्स व्हाट, क्या होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला दे देता हूं, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स अगर ए हो तो एक्स राइज टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स राइज टू द पावर फोर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, यानी इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब क्या है कि ए की जगह है यहाँ पे सेवन, ठीक है, यहाँ सेवन दिया गया है ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल सेवन दिया गया है, इसलिए ए की जगह सेवन डालेंगे, सेवन स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, सेवन स्क्वायर यानी फोर्टी नाइन प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, फोर्टी नाइन टू फिफ्टी वन, फिफ्टी वन का स्क्वायर माइनस टू, फिफ्टी वन का स्क्वायर होता है टू सिक्स जीरो वन माइनस टू, टू सिक्स जीरो वन में से टू अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टू फाइव नाइन नाइन यानी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन होगा। और इसको शॉर्ट में बनाने के लिए क्या होगा, अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं सिंपली एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल सेवन है तो इसका स्क्वायर निकाल के प्लस टू करना है यानी फिफ्टी वन हो गया, और फिफ्टी वन का स्क्वायर और माइनस टू कर देना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, फिफ्टी वन स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स जीरो वन माइनस टू इक्वल्स टू फाइव नाइन नाइन। तो आप लोग शॉर्ट में भी इस तरह से बना सकते हैं, और अगर इस फॉर्मूला का यूज करके बनाना चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।